बिहार में बड़े और छोटे भाई से सम्राट चौधरी फाइट कर रहे हैं। वैसे प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष को लालू यादव और नीतीश कुमार के लीडरशिप में काम करने का ठीक ठाक अनुभव भी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने 15 साल तक बिहार को लूटा, जबकि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को पटना में हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक एक कार्यकर्ता को जहां बूथ तक यानी निचले स्तर तक जाने की अपील की, वहीं लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को भी तारीफ की। चौधरी ने कहा कि आज पहली कार्य समिति की बैठक मेरे कार्यकाल में हो रही है। राजद ने बिहार में 15 साल शासन किया और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद ने 15 साल बिहार को लूटा और उसके बाद नीतीश कुमार 18 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इस कार्य समिति की बैठक में जहां राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार पर चर्चा की जानी है, वहीं राष्ट्रीय मुद्दों और राज्य स्तरीय मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। भाजपा ने सभी के कल्याण के लिए काम किया है। अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों को घर दिए गए तो बैंक खाते खोले गए, जिन घरों में पानी नहीं पहुंचा था वहां पेयजल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान की बात की गई। चौधरी ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जहां लोगों को रोजगार दे रही है, वहीं बिहार में नौकरी कागजों पर दौड़ रही है। अगर केंद्र से बिहार को राशि नहीं मिले तो राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएंगे। आज तक किसी ने नहीं सुना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह केंद्र सरकार के पास किसी योजना की मांग या फिर उसके लिए राशि मांगने गए हों। उन्होंने आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के कई दल आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि लालू प्रसाद के शासनकाल में क्या वे किसी को आरक्षण दिए थे, जबकि भाजपा ने सभी लोगों को आरक्षण दिया। बीपी सिंह देश में मंडल कमीशन लाए, मोदी सरकार ने सामान्य वर्गों के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया, भाजपा सबका साथ सबका विकास किया। अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाने में काम चल रहा है, जो कि कहीं जाके दहाड़ सके। इससे पहले एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े सहित कई वरिष्ठ कार्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।